एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शॉप एप्लीकेशन स्टार्ट से एमयू के अंदर जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। पीआरटी की यानी काउंसलिंग शेड्यूल जो है डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी आपको जो एडमिशन लेना है पीएचडी में वो आपको ऑनलाइन ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी टेस्ट दिया है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो इट इज हियर बाय नोटिफाइड दैट काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम सेशन 2023 एंड ये रेगुलर सेशन है एंड सितंबर तक, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना, लॉगिन डॉक्यूमेंट अपलोड करने एंड सबमिशन फाइनल कैंडिडेट्स, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट करना जो कि आपको कंसर्न डिपार्टमेंट करेगा, फिर उसके बाद 23 दिनों को अगर कोई रिजेक्ट आपका डॉक्यूमेंट होता है तो आपको इसका ऑप्शन दिया जाएगा 10 days रहेगा। 24 दिनों को आप जो है वेरिफिकेशन ऑफ सबमिशन हो गया तो आपका एप्लीकेशन हो जाएगा दोबारा सबमिट किया होगा। ओके, यानी फाइन के साथ आपको फीस जमा करनी होगी, तो ऐसे नौबत ना आए तो अच्छा है। इन केस ऑफ नॉन सबमिशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम द कैंडिडेट्स विल फॉरफिट हिज हर क्लेम फॉर एडमिशन। अगर कोई टाइम पर काउंसलिंग नहीं कर पाता है तो वो क्लेम नहीं कर पाएगा एडमिशन के लिए। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिजेक्टेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ड्यू टू एलिजिबल या रॉन्ग या इनकम्प्लीट अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में भी रीसबमिट देयर करेक्ट डॉक्यूमेंट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम इफ दे विश टू कंसर्न फॉर एडमिशन। अगर वो एडमिशन लेना चाहता है तो अगर उसका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है, जैसे आपका इसमें रिजेक्ट हो गया, तो 23 को आप 23 सितंबर को दोबारा आप रिसबमिट कर सकते हो डॉक्यूमेंट। कैंडिडेट्स शैल हैव टू रिपोर्ट फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ प्रोविजनल एडमिशन। ये जो आपका ऑनलाइन काउंसलिंग का जो एडमिशन हो रहा है वो एक आपका प्रोविजनल एडमिशन हो रहा है, और उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें जो आपने प्रोविजनल एडमिशन में जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आपको फिजिकल यानी उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको दिखानी होंगी। द शेड्यूल फॉर द सेम विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। फिजिकल वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट के लिए जो है नोटिफाइड सेपरेटली आपको कर दिया जाएगा। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, और किस तरह से काउंसलिंग की जाती है उसका वीडियो का लिंक आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।